हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है चैप्टर मोशन का। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो मान लीजिए कि पहली एक घंटे में वो ट्रेन चलती है 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में फिर 50 किलोमीटर चलती है, तीसरे घंटे में भी वो 50 किलोमीटर चलती है। जैसे हर एक घंटे में वो 50-50 किलोमीटर जा रही है, तो उस ट्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑन द अदर हैंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब, अगर वो ट्रेन पहले एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर भागती है, तीसरे किलोमीटर में 40 किलोमीटर ही जाती है, तो ये क्या हो रहा है? मोशन इसका यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हर घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। या फिर अगर ये पहले 30 मिनट में 50 किलोमीटर जाए, फिर अगले 50 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट लग जाए इसको, फिर अगले 50 किलोमीटर जाने के लिए 10 मिनट ही लगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो ये सेम कवर कर रही है लेकिन टाइम अलग अलग ले रही है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये टाइम का कॉलम है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी ए है, और ये डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी बी है। यहाँ टाइम का इंटरवल देखिए तो सेम है, कितना है? 1 आवर का है। टाइम इंटरवल अगर देखें तो ये सेम है, एक घंटे का गैप है, तो टाइम इंटरवल सेम है। और यहाँ बॉडी ए को देखते हैं, बॉडी ए जो है पहले घंटे में कितना चली है? 10 किलोमीटर, 10 मीटर। यहाँ पे ये इंटरवल कितना है? 10। यहाँ पे भी इंटरवल कितना है? 10 का। इधर इंटरवल कितना है? 10 का। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? एक यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन अगर ये सेम इंटरवल टाइम है बॉडी बी का हम लोग डिस्टेंस कवर्ड देखें, डिस्टेंस कितने का आ रहा है? 12, 10 मीटर का आ रहा है। फिर ये अगले एक घंटे में कितना मीटर चलती है? 16 मीटर। फिर अगले एक घंटे में कितना चलती है? 7 मीटर। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और बॉडी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? दोनों का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। वेयर एज वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेयर एज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। एक और पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि वेलोसिटी क्या होता है? निगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी निगेटिव।
नेगेटिव कब होगा वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होती है, लास्ट वीडियो में हम लोग देख नहीं पाए थे, इसमें देखते हैं। मान लीजिए कि एक स्केल है 0 to 100, 0 पॉइंट से कोई कोई बॉडी है ए, जो कि स्टार्ट करता है चलना। 0 से ये चल के 50 तक पहुंचा, ठीक है, और 50 तक जाने के बाद ये वापस आया, तो इस पॉइंट पे आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन से चला था और फाइनल पोजीशन भी उसी पोजीशन पे आके ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। लेकिन अगर इससे ये अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है, 50 पॉइंट्स इधर बढ़ जाता है अगर, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। -50 मीटर कहलाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी आएगा नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उषा एक लड़की है जो कि स्विमिंग पूल, जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी है, 90 मीटर, वो यहाँ से स्टार्ट करती है तैरना और तैर की जाती है इस एंड पे, और फिर यहाँ से ये वापस आती है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इसको इतना तैरने में लगता है 1 मिनट, ये 90 मीटर गई और 90 मीटर आई, हो गया 180 मीटर, और ये कितना कवर की है, कितना टाइम में कवर की है, 1 मिनट में। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 180 मीटर, और टाइम इसका कितना लगा, 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर, टोटल टाइम इज 60 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। ऑन द अदर हैंड अगर इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो वेलोसिटी पे क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो एक कार है, शुरुआत में उसकी रीडिंग बताती है ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर, और जब वो चल लेता है 8 घंटे, तो उसकी रीडिंग बताती है 2400 किलोमीटर, यानी कि वो टोटल कितने किलोमीटर चला, 2400 में से 2000 को माइनस कर देंगे, कितना, 400 किलोमीटर।
डिस्टेंस का वर्ड कितना हो जाएगा? चार सौ किलोमीटर, और ये कितने देर में कवर करता है? 8 आवर्स में। टाइम हो गया कितना? 8 आवर। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स। 400 अपॉन 8, इट से कट करेंगे, 8 5 40 0, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में भी पूछा है, तो हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 50 किलोमीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 मीटर से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और ये 1 आवर है। 1 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड, और इसको लिख सकते हैं 13.9 मीटर पर सेकंड।